नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे दानवीर महाराजा शिवी की कहानी। भारतीय धार्मिक कहानियों में महाराजा शिवी की कहानी प्रमुख है। पुरु वंश में जन्मे उसी निर्देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। परम दानवीर राजा शिवी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिवी को बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिवी की चर्चा स्वर्ग लोक तक होती थी। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा करने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते अंतर्नाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं, इसलिए आप अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं क्षुधा से अर्थात भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात मत मानिए, यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत होकर यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं श्रुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मर गया तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने के लिए कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हो जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभेदान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गो और बड़े बड़े यशों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु व्याकुल प्राणी को दिया गया अभेदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस व्याकुल जीव को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार ही चाहिए ना? तो मैं तुम्हें आहार देता हूँ। बाज बोला, हे राजन,
प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है कि दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख को शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी ने कहा, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षणभंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। अब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो मैं तुम्हारा आहार, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्म परायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था, और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करें। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्रदेव और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद वे परम पद को प्राप्त हुए।